भाजपा प्रत्याशी नौ की नौ विधानसभा में जाके वोटों की अपील कर रहे हैं। आज उनके हल्का उकलाणा के दौरे हैं। हल्का उकलाणा में एक एक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ जुटा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज बीजेपी भाजपा जो हरियाणा उसके प्रदेश अध्यक्ष बहादुर सिंह नंगथला जी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का उत्साह आज रणजीत के कार्यक्रमों को लेकर देखने को मिला? सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर जैसे एक शादी ब्याह के अंदर जो एक चाव होता है ना, आज आप देख रहे हो कि सभी उत्साहित दिख रहे हैं। भी हमारी शादी का जो समय बिल्कुल एक हफ्ता ही रह गया बीच में, बड़े उत्साहित होकर आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह के लिए एक एक वोट की अपील कर रहे हैं। सर, 20 तारीख को अमित शाह का समय मिल गया है, तो हल्का उकलाणा की कितनी हाजिरी उस कार्यक्रम में रहेगी? देखिए, अभी तो जैसे आज के चौधरी रणजीत सिंह जी के प्रोग्राम है, आज उन्होंने इन्वाइट करना शुरू किया है। जैसे सारे गाँव के राउंड लेंगे तो उसमें सारे उकलाणा हल्के का अंदाज़ा लग जाए भी हमारी कितनी संख्या यहाँ से रहेगी। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही प्रयास रहेगा कि उकलाणा हल्के से भी भारी मात्रा में भागीदारी रहे हमारी। आपने बहुत सारे गांव में डोर टू डोर अभियान किया है, रणजीत के लिए वोटों की अपील की है, किस प्रकार का लोगों का रिस्पांस मिला? देखिए, जहां भी डोर टू डोर प्रोग्राम किया है, चाहे हमने सबसे पहले प्रभुवाला किया, प्रभुवाला में हमारी पार्टी की बहुत अधिक मतों से जीत होगी। उसके बाद चाहे बूढ़ा खेड़ा ले लो और दौलतपुर में ले लो, यानी बादशाहपुर में ले लो, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलेगा। आपने प्रभुवाड़ा की बात की, प्रभुवाड़ा खुद कुमारी सैलजा का गांव है, क्या लगता है वहां से भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी? देखिए, पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी को प्रभुवाड़ा गांव से बढ़त मिल रही है और इस बार हमें उम्मीद है कि उससे भी अधिक बढ़त मिलेगी। आपको क्या लगता है यहाँ से जेजेपी का जो एमएलए रहा है, मंत्री भी बने राज्य मंत्री अनूप धानक, उनके भी प्रत्याशी जेजेपी के यहाँ पर खड़े हैं, वो कन्वर्ट करने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है, जितने भी चाहे जेजेपी हो, चाहे एनएलओ हो या कोई अन्य पार्टी हो, भी जो भी उन पार्टियों के लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया जाए, पूरे मान सम्मान उनको दिया जाए। तो जेजेपी के लोगों को शामिल करने का सिलसिला जारी है? सभी पार्टियों को, जेजेपी हो गए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने का पूरा सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास। चुनाव में कितने कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए होंगे? इसमें अभी तो देखिए आ ही रहे हैं दिन पर दिन, बाकी तो टोटल तो लास्ट पता लगेगा कितने आएंगे। और मैं गाँव खरखड़ा में भी गया था, वहाँ पे बलवान जी हैं जो डाणी में रहते हैं, उनका पूरा परिवार जेजेपी का था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई है और उनका हमने स्वागत करा है और उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान। तो बहादुर सिंह नंगथला 20 तारीख को अमित शाह की रैली में कितना बड़ा काफिला लेकर के पहुंच रहे हैं? मैं अभी तो देखिए प्रयास कर रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा जितना भी होगा हम अधिक से अधिक काफिला लेकर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, राहुल वर्सेस मोदी को लिया जा रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय मोदी जी एक भारत का ही नहीं पूरे विश्व का चेहरा है और आदरणीय राहुल जी उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि कैसा चेहरा है। ये ही हमारा एक विशेष होता है, भी आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या राहुल को, जब भी जनता में जाते हैं तो उनसे यही निवेदन करते हैं, तो सभी आदरणीय मोदी जी के लिए अपने हाथ उठाकर भारी समर्थन देते। तो हिसार के प्रत्याशियों का क्या कहना चाहेंगे छवि को लेकर? देखिए, आदरणीय रणजीत सिंह एक साफ छवि के इंसान है और हिसार के लोगों के लिए हर महीने की 5 तारीख को आते रहे, बिल्कुल सिंपल हैं और चौधरी देवीलाल के नीतियों पे चलते रहे वो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके भी वो एक ईमानदार छवि के इंसान। बाकी उम्मीदवार भी तो चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मांग रहे हैं। देखिए, नाम से तो मांग रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छी साफ छवि का कौन है? चौधरी रणजीत सिंह के ऊपर कोई दाग नहीं है, बहुत ही साफ छवि का इंसान है और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी हिसार की जनता के दुख सुख में शामिल रहे। क्या लगता है हल्का उकलाणा से कितनी बड़ी जीत दर्ज करवाएंगे? देखिए, कोशिश है, जो पीछे मार्जिन हुआ था उससे भी कुछ ना कुछ बढ़कर मार्जिन है। जी, ये थे हमारे साथ बहादुर सिंह नंगथला, जिन्होंने कहा कि पीछे जितने बीजेपी के वोट रहेंगे उससे ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह हल्का उकलाणा से विजयी होंगे। अब ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाल फिलहाल बहादुर सिंह नंगथला 20 मई को जो अमित शाह की रैली होनी है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनका दावा है कि रणजीत सिंह चौटाला की भारी मतों से जीत होगी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रवि पक, उकलाणा।